नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनावों के लिए घमासान शुरू हो गया है। सबसे अहम प्रदेश दिल्ली में तमाम सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला टिकट है पश्चिमी दिल्ली से, जो कमलजीत सहरावत का टिकट है, क्योंकि वहां पर प्रवेश वर्मा दो बार से सांसद रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और ऐसे में टिकट बदलने का क्या रीजन था और क्या भविष्य देखती हैं कमलजीत सहरावत इस पूरे मामले में? हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलजीत जी। ये बताइए कि दो बार के सांसद रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, उनका टिकट काट के आपको टिकट मिला, इसको कैसे आप देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को सत्ता और शासन दोनों में ट्रेंड किया जाता है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनल सिस्टम में दोनों का बराबर का महत्व है। मैंने बहुत लंबा समय संगठन में काम किया है, फिर उसके बाद मैं निगम में चुनाव लड़ी, मेयर बनी, लीडर ऑफ हाउस बनी, तो हमारे यहाँ सत्ता और संगठन में परिवर्तन चलता रहता है। ये जो टिकट काटना वर्ड है, ये भाजपा के ऊपर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा परिवार, इतने ज़्यादा काम है, और उस कामों को हम लगातार चुनाव की दृष्टि से हम काम नहीं करते हैं, हर बार लगातार काम करते हैं, तो इसलिए टिकट काटना नहीं, उसे दायित्व परिवर्तन आप कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं नारी शक्ति बंधन अधिनियम को प्रधानमंत्री जी जहां हो पाए लागू करना चाह रहे थे, तो वही एक कारण हो सकता है। नारी शक्ति बंधन की बात बिल्कुल सही है, और टिकट किसी को भी मिल सकता है, मामूली कार्यकर्ता हो चाहे कोई बड़ा नेता हो। लेकिन यहां पर एक सवाल और भी आता है कि आमतौर पर टिकट उन लोगों को दिया जाता है जो विनिंग कैंडिडेट हो, ऐसा तय किया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप विनिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके लिए आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, और ये भी तय किया जाता है कि किस तरह का जो भी सर्वे किया गया या रिपोर्ट्स आई या लोगों की तरफ से बातें आई, क्षेत्र के लोगों की तरफ से बात आई, आपको टिकट दिया ये इसलिए कि वो चाहते थे कि यहाँ पर बदलाव करें, या फिर उसके पीछे वजह यह है कि चुनाव तो होता ही मोदी के नाम पर है और उनका जब चेहरा है तो फिर कोई भी खड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये भी एक बात सत्य है कि पिछले 10 साल में भाजपा के पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, तो पार्टी का अपना जो एजेंडा है और मोदी जी का जो चेहरा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी काम के पूरा होने की गारंटी है। लेकिन फिर भी पार्टी अपने सर्वे करती है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देने से पहले वो कार्यकर्ताओं को एक बार जो भी उनका अपना सर्वे सिस्टम होगा, डिसीजन लेने का एक सेटअप होगा, उसमें वो काम करते हैं। लेकिन ये भी तय है कि पिछले 10 सालों के काम के आधार पर अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पश्चिमी सीट जीतने वाले, ये भी तय है। कमलजीत जी, चुनौतियां तो बहुत सारी होंगी पश्चिमी दिल्ली में, वैसे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं इलाके को लेकर के, लोगों की जरूरतों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, लेकिन अब आपके सामने एक चुनौती और भी है। क्या प्रवेश वर्मा जी आपके लिए चुनौती हैं या फिर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? प्रवेश वर्मा जी मेरे साथ पूरी तरह खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक परिवार है और हम हैं मोदी परिवार। तो हमारे यहाँ पर कोई व्यक्तिगत आपस में बात नहीं होती, जिसको जो मौका मिलता है बाकी सब साथ खड़े होते हैं और उस काम को करने में मदद करते हैं। आप क्षेत्र में लगातार टहल रही होंगी, जा रही होंगी, लोगों से मिल रही होंगी, और काफी लंबे समय से संगठन के लिए भी काम किया, अलग अलग पदों पर रही हैं, मेयर भी रही हैं, लेकिन अब जब चुनाव में उतरी हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपको लगती क्या है? पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मैं देश को छोड़ दूं, मैं दिल्ली को भी छोड़ दूं, मैं सिर्फ पश्चिमी दिल्ली जहां से कि मेरे को टिकट मिला है, मैं सिर्फ वहां की बात करती हूं, तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में जनमानस के इतने काम हुए हैं, चाहे वो जनमानस को आर्थिक मदद के हों, वो राशन के हों, या वो गरीब के, मजदूर के, महिला के हों, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के हों। द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी उद्घाटन हुआ है, तो लगातार 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में सभी जो हमारे मंत्रालय है सभी की तरफ से बहुत काम हुए हैं। तो मेरी चुनौती इतनी है कि जो ये किए हुए काम है उसको हमें जनता तक, हमारे बूथ तक पहुंचाना है, ताकि जो विश्वास मोदी जी पर पहले जताया था उस काम को हम कंफर्म कर पाए कि ये सभी काम हुए हैं, मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र को पूरे जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। तो लोगों तक पहुंचना ही हमारा चुनौती है और कोई चुनौती नहीं। अच्छा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने काम किया है वहां पर और ये काम लोगों को दिखना चाहिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ये जरूरी भी है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोग जाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी तमाम तरीके की बातें करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जो स्ट्रांग कंटेंडर है
जो आपका विरोधी है वो कौन लगता है, क्या लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो तमाम नेता चले गए जेल, अब बाकी जो इसको कहते हैं कांग्रेस और बाकी दूसरे जो दल बचे हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन लगता है कि जिससे आपका सीधा मुकाबला होने वाला है? हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर, तो जो इनका दोनों पार्टियों के जब अस्तित्व पे खतरा आया, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा जिसका कि वो क्लेम करते थे, विचारधारा तो कोई नहीं थी, जिसको क्लेम करते थे उस विचारधारा को छोड़कर दिल्ली में गठबंधन किया, और हमारी पश्चिमी दिल्ली की जो सीट है वो गठबंधन में आम आदमी पार्टी के पास गई, उनका कैंडिडेट आ गया है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट आता, आम आदमी का आता है कांग्रेस का, दोनों का कोई भी फील्ड पे किया हुआ काम नहीं है, और दोनों की जो आपस में गठबंधन है वही दोनों की हार को निश्चित करती है कि वो खुद ही मान चुके थे, तो इसलिए ये कोई चुनौती भाजपा के प्रत्याशियों के सामने नहीं है। तो कमल जी, जब आप फील्ड में जाती हैं, क्षेत्र में लोगों से बात करती हैं, मिलती हैं, तो आप उनको क्या क्या मोदी जी के किए हुए 10 साल के काम को समझाती हैं या फिर आगे का एजेंडा भी बताती हैं कि जब आप जीत के आएंगी तो आखिर इलाके के लिए क्या करने वाली हैं? पिछले 10 साल में मोदी जी के द्वारा किए गए काम, भारत, दिल्ली और पश्चिमी लोकसभा, इन तीनों को हम बताया जाता है। मोदी जी की अगली विजन क्या है उसको भी बताया जाता है। साथ में मैं मेयर रही हूँ दिल्ली में, लीडर ऑफ हाउस रही हूँ, तो मैंने जो क्षेत्र के लिए काम किए हैं पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली के लिए, उनको भी मैं लोगों के सामने रखती हूँ। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास तीनों तरफ से एक ऐसा हमारे पॉइंट आते हैं कि जो जनता को अपील करते हैं कि, और उन्हें दिखता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उनके जो सैनिक है वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मेरा अपने किए हुए काम, मोदी जी के काम किए हुए और पार्टी का विजन, ये तीनों हमें जमीन पर बहुत मजबूती दे रहे हैं। मोदी जी ने तो एक नारा दिया है कि इस बार 400 पार, माफ कीजिएगा, तो क्या आपको उसमें कोई चीज बताई गई ऐसी कि 400 पार के लिए किस तरह से काम करना है, या फिर जो ये नारा दिया गया है इसके लिहाज से क्या नया काम किया जाना है कि नए तरीके से कैसे डील करना है लोगों से, कोई इसके लिए रोड मैप तय किया गया? हम लोगों को, पूरी पार्टी को समझाया गया है कि जितने काम हुए हैं उन्हें बूथ पर जाकर जो लोग रहते हैं उन तक लेकर जाना है और बूथ को मजबूत करना है, सबको जमीन पर काम करना है। काम कम नहीं किए हैं, जितने काम किए हैं वो सब काम बूथ तक रहने वाले जो हमारे नागरिक उन तक पहुंच जाए, ये ट्रेनिंग हमें दी गई है, और उसी में पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी दायित्व पर है अपने काम को कर रहे हैं, और सब इसी फॉर्मूले पे, इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो कमल जी, एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि जब आप फील्ड में काम कर रही हैं अभी एज ए उम्मीदवार के तौर पर, इससे पहले आप संगठन के लिए अलग अलग जगहों पर काम कर चुकी हैं, मेयर रह चुकी हैं, सचिव रह चुकी हैं, जिले के लिए काम कर चुकी हैं, तो उसमें और आपको एक उम्मीदवार के तौर पर अभी क्या अलग नजर आता है? मुझे पार्टी में अनेक दायित्व पर पार्टी ने मुझे मौका दिया काम करने का। मैं जिला उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश में मंत्री, उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, सभी पोस्ट पर गई। जब चुनाव लड़ी उसके बाद ही पार्टी ने मुझे मेयर और लीडर ऑफ हाउस और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का मौका दिया। तो कुल मिलाकर मेरी पार्टी ने मुझे सत्ता और संगठन दोनों के लिए वैचारिक रूप से तैयार किया। हमारी क्या विचारधारा है, अंत्योदय हमें कैसे करना है, जो हमारा एजेंडा है उस पर किस तरह से लोगों की सेवा के करते हुए हमें लोगों से कॉन्टेक्ट में रहना है। तो ये सत्ता और संगठन का जो भारतीय जनता पार्टी के काम करते करते मुझे एक ट्रेनिंग मिली है, वो मुझे आने वाले टाइम में काफी मदद करेगी कि मैं क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करूं। जी बिल्कुल, कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं कि आप इसमें जीते हैं और संसद में दिखाई दें, और आपकी जो जीत हो वो भी ऐतिहासिक हो, जैसे कि आपको ऐतिहासिक मौका मिला है। तो ये कमल जीत सहरावत जी थी जो हमारे साथ जुड़ी, बीजेपी से पश्चिमी दिल्ली की कैंडिडेट हैं, और प्रवेश वर्मा जो कि 2 बार के सांसद रहे हैं उनको पिछाड़ करके वो सीट पाई है इन्होंने, और अब जीतने का इनके सामने कितना मौका है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपनी जो कैंडिडेचर है उसके चलते क्षेत्र में दौरा कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के खाते में एक सीट दिल्ली से और लेकर के आएँ।